हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको फ्रिल वाला बैग बनाना बता रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। उसके लिए मैंने एक पहले पेपर कटिंग करी है, जो कि हाफ़ राउंड शेप में है। उसी शेप में मैंने राइस की बोरी भी ली है, उसी शेप में मैंने चादर का कपड़ा भी लिया है। तो ये मैंने हाफ़ राउंड शेप में दो तीनों चीज़ों को एक साथ कटिंग कर लिया है। पहले मैंने पेपर कटिंग की थी और उसी को उसी पर रख के, और चावल की बोरी और कपड़े को मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो ये मैं अभी इस समय जॉइंट का जो हाफ़ राउंड लिया था मैंने, वो और एक चादर का, ये दोनों को मिला के मैंने इस तरह से स्टेपलर कर दिया है, ताकि ये आपस में जुड़ जाएं और हिले ना। क्योंकि इसके ऊपर जो मैं फ्रिल लगाऊंगी तो फिर ये एक बेस में बन के रेडी हो जाएगा। मैंने यूज़ किया है इस तरह से, मेरे पास पुराने कपड़े के मैंने स्ट्रिप काटी है, दो कलर में काटी है। आपके पास जिस जैसे भी कपड़ा हो आप उसकी स्ट्रिप काट लीजिए और उसको आधे आधे में ही कटिंग करिए। देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ उसको फ्रिल बनाने के लिए। और ऊपर के साइड मैंने पकड़ रखा है, ताकि ऊपर से पूरा ना पूरा नहीं काटना है उसे, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा काटना है। और ऊपर से थोड़ी सी सिलाई करने के लिए थोड़ा भाग रहने देना है। तो इस तरह से मैंने ये आधे से ज़्यादा इसकी कटिंग कर ली है और इसकी फ्रिल बना ली है। और इसी तरह से मैं दोनों कलर में बनाऊंगी। इसमें भी मैं सेम वैसे ही बनाऊंगी कि हाफ़ कटिंग करना है, हाफ़ फ्रिल देना है केवल। तो इस तरह से ये कटिंग मेरी बन होके रेडी हो गई है। तो फिर अब मैं इसे सिलना बताऊंगी कि इसे हम सिले कैसे, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये कटिंग करी है। तो ये बहुत ही आसान है और आप इसे इजी वे में बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ये रखा है, जो कि बाहर की तरफ मैंने फ्रिल रखा है, और इसे कच्चा बनाऊंगी। और जिधर से मैंने ऊपर से कटिंग नहीं की थी उधर से मेरे को इसको सिलना है। तो इस तरह से मैंने ये सिलना स्टार्ट कर दिया। और अभी दूसरी वाली को मैं फ्रिल को मैं कैसे रखूंगी ये बता रही हूँ। तो उसी के ऊपर रखना है, थोड़ी सी ही गेप दे के रखना है, ताकि वो फ्रिल उसके ऊपर आ जाए। और इसी तरह से हमें एक के ऊपर एक फ्रिल रख के ही सिलाई करनी है। तो इस तरह से आप ऐसे कच्चा कर लीजिए, और बाद में फिर आप जब मशीन से सिलाई लगाएंगे तो आपका ये जो शेप है वो बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से अभी ये देखिए मैंने तीसरी स्ट्रिप भी इसी तरह से लगाई है इसी के ऊपर। तो ये बहुत ही आसान है, और ये वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ये किस तरह से इसे पूरा बनाया है और ये कैसा दिखेगा। तो इसे लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरे राउंड शेप में इसे किया, और देखिए पीछे कितने धागे दिख रहे हैं। इसमें हमको अलग से सिलाई इसमें अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने केवल स्टेपलर लगाया था। और इस तरह से इस कवर भी लगा दिया है, जो कि ये धागे हैं वो दिखेंगे नहीं और वो धागे निकलेंगे भी नहीं। तो इस तरह से अब मैं इसमें चेन लगा रही हूँ। तो दोनों साइडों को दो हिस्से बनाए थे मैंने, चावल की बोरी और चादर से और फ्रिल लगा के। तो दोनों हिस्सों को बीच में रख के, चेन को बीच में रख के, और दोनों हिस्सों को आइट साइड लगा के, और इस तरह से मैंने ये चेन लगा दी है, जो कि आप बहुत ही आसान है। आप इसको देखेंगे ध्यान से, वीडियो को पूरे अच्छे तरह से वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मैंने किस तरह से चेन लगाई है। तो ये देखिए इस तरह से मैं चेन भी लगा ली है मैंने। अब इसका हैंडल बनाऊंगी मैं। तो हैंडल बनाने के लिए भी मैंने तीन स्ट्रिप काटी है कपड़े की, और दोनों कलर लिए हैं, और उन्हें फिर चोटी के जैसे गूंथ लिया है। और हैंडल जितना होता है उतना ही लेना है स्ट्रिप भी आपको। तो इस तरह से ये मैंने गूंथ लिए हैं और ऐसे दो बनाए हैं मैंने। तो इस तरह से ये बन के रेडी हो गए मेरे। अब इसे मैं बताऊंगी कि कैसे लगाया है मैंने। तो दोनों को आप नाप ले लीजिए और बीचों बीच जगह छोड़ दीजिए, जैसे हैंडल होते हैं बैग के। तो उस तरह से मैंने ये दोनों साइड से ये स्केल से नाप ले लिया है कि मुझे कितना हिस्सा छोड़ना है बाहर की तरफ और कितने में हैंडल लगाना है। तो ये मैंने बीचों बीच ले लिया है। अब इसमें मैं यहाँ पे इसे घुसा दूँगी, क्योंकि ये अभी कच्चा है, इसमें मैंने पक्की सिलाई नहीं लगाई है। तो ये आसानी से कैंची की सहायता से मैंने इसे अंदर इसको डाल दिया है। तो ये देखिए दूसरा हिस्सा भी डाल रही हूँ, और ऐसे के ऐसे उस तरफ भी मैंने डाला है। ये देखिए इस तरफ भी मैंने जो निशान लगाए थे उसी निशान के ऊपर मैं इसे अंदर की तरफ घुसा रही हूँ, और इसको अंदर दोनों साइड से घुसा देना है। और ये देखिए चारों अंदर की तरफ निकल आए हैं। ये देखिए अभी मैंने बाहर सिलाई नहीं लगाई है, तो ये आसानी से ओपन होकर दिख रहा है कि ये कैसे दिखे है। और यहाँ पे मैंने फिर इसे सिलाई लगा दी है, क्योंकि जब मशीन की सिलाई लगाएंगे तो ये हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। और जिस नाप से हमने इसे अंदर की तरफ रखा है, जितना बाहर की तरफ होना चाहिए उतना ही रहेगा।
तो इसे मैंने एक टाका लगा दिया है इस तरह से, और चारों तरफ से चारों भागों में लगा दिया है। अब मैंने इसको उल्टे की साइड लगा कर लिया है, और ये तो स्टेपलर पिन दिख रहे हैं देखिए, और लेकिन मुझे तो यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो झालर जो इसकी जो पूरा फ्रिल है उसे मैंने पूरा अंदर की तरफ करके, और इसे मैं कच्चा सिलाई कर रही हूँ। और इसके बाद कच्ची सिलाई करने के बाद इसे मशीन से आप पक्की सिलाई कर दीजिए तो बैग एकदम मजबूत हो जाएगा आपका, और इसे बहुत ही अच्छा दिखने वाला है ये बैग मेरा। अभी सीधा करूँगी तब पता चलेगा आपको कि कितना सुंदर लगेगा ये बैग। तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और आप लोग सभी घर में हैं, तो ऐसी चीज़ों को ट्राई करते रहिए, और अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल पे यूं ही आते रहिए, आपको बहुत 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 सारी चीज़ें नई नई देखने को मिलेगी। और देखिए ये इस तरह से मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ, तो आप भी इस तरह से आप घर में ऐसे कुछ ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर भी लग रहा है, और घर की जो चीज़ें हैं वेस्ट मटेरियल है उनका भी यूज़ हो जाता है। तो इस तरह से देखिए ये मेरा बन के बैग बन के रेडी हो गया है, और इसका हैंडल और ये देखिए चेन कितनी आसानी से लग रही है, और मैंने इसके अंदर से सिलाई भी कर ली थी। और ये देखिए बन के रेडी हो गया, आप सब्जी लेके आइए जो भी करना है इसमें कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कॉमेंट करिए और शेयर करिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।